प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बताए से आशीष दे, आमीन। आज हम बात करेंगे, एक स्टोरी के रूप में बात करेंगे और वो स्टोरी होगी यूसुफ को लेकर। ये स्टोरी का जो विचार मेरे मन में इसलिए आया कि मेरे यूट्यूब पे जो वीडियो पड़े हैं वो बहुत बड़े लोगों के लिए होते हैं और मेरे जो छोटे भाई बहन है, बहुत छोटे, या मेरे जवान जो भाई बहन है वो हो सकता है उन वीडियो को ठीक से नहीं समझ पाते हों। तो स्टोरी के माध्यम से जो बाइबल के कैरेक्टर हैं उनके ऊपर आधारित स्टोरी है, उनके बारे में बताकर उनको उत्साहित करना चाहता हूँ और उनको प्रभु में लाने की कोशिश करना चाहता हूँ। हालांकि आप सब प्रभु में हैं, मैं जानता हूँ अच्छे से, परंतु मैं यूसुफ के बारे में बात बताना चाहता हूँ। यूसुफ को मिलाकर 12 भाई थे उन लोग, और यूसुफ जो था 11वें नंबर का भाई था, यानी बच्चा था, और यूसुफ के पिता का नाम था याकूब। और याकूब जो था वो यूसुफ को बहुत प्यार करता था। उसके प्यार करने का कारण है, ऐसा नहीं है कि वो अपने और बेटों को प्यार नहीं करता था, जो और 11 भाई थे उनको भी प्यार करता था याकूब, परंतु यूसुफ को बहुत ज्यादा प्यार करता था। उसका प्यार करने का कारण क्या था, क्योंकि यूसुफ जो था वो अपने पिता की हर बात को मानता था और यूसुफ के जीवन में किसी भी प्रकार की बुराई देखने को नहीं मिलती थी। यूसुफ का काम क्या था, जब उसके जो 10 भाई थे, एक छोटा भाई था यूसुफ से छोटा जिसका नाम बिन्यामीन था, वो घर में रहता था, बाकी जो भाई थे वो भेड़ बकरी चराने जाते थे, और यूसुफ का काम था कि वो अपने भाइयों को जाकर उनका कुशल सेम पूछे कि वो सही से है, नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, और वो पिता को आकर बताता था। अगर कोई परेशानी होती थी तो पिता उसको बताता था कैसे उसको समस्या हल करना, खाना वगैरह पचाना, वो सारी चीजें जो था वो यूसुफ करता था। मगर यूसुफ में एक बात थी, यूसुफ जो था अपने भाइयों की हर गलतियां, अगर वो कोई बुराई कर रहे हो या बुरे काम कर रहे हो, तो वो अपने पिता को आकर बताता था कि पिता आज मेरे वो भाई ने ऐसा करा, उस भाई ने ऐसा करा। आप सोच रहे होंगे कि ये चुगलखोरी है। जी नहीं, ये चुगलखोरी नहीं है, इसको हम चुगली करना नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि यूसुफ ये चाहता था कि मेरे जो भाई हैं, मेरे भाइयों का जीवन अच्छा बीते और मेरे भाई कोई गलत रास्ते पर ना चले, किसी भी प्रकार की बुराई उनके जीवन में ना हो, मेरे पिता की आशीष भी उनके जीवन में बनी रहे और परमेश्वर की भी आशीष उनके जीवन में बनी रहे। ये कारण था कि वो अपने भाइयों की हर बुरी बात को पिता को बताता था, जिसके कारण जो था उसके जो भाई थे वो यूसुफ से बहुत ज्यादा नफरत करते थे, चिढ़ने लगे थे। और चिढ़ने का एक और भी कारण था, क्योंकि यूसुफ जो था वो सपने देखता था। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सपने आप ही देखते होंगे, ध्यान रखिएगा, अगर परमेश्वर आपको सपने दिखा रहा है तो सपने में वो आपसे बातचीत कर रहा है। कैसे बातचीत कर रहा है, यूसुफ के द्वारा। अब यूसुफ ने पहले एक सपना देखा कि वो खेत में वो और उसके भाई जो थे वो पुआल बांध रहे हैं। जी हाँ, पुआल पता है किसको कहते हैं, जब आप गेहूं काटेंगे या धान काटेंगे तो उसका जो गट्ठर होता है उसको पुआल कहते हैं, वो बांध रहे हैं। तो यूसुफ ने देखा कि उसका पुआल खड़ा हो गया और उसके जो 11 भाई हैं उनके जो पुआल हैं वो उसको दंडवत कर रहे हैं। अब उसके भाई लोग कहने लगे, ये कैसा सपना है, है? तू हम पे प्रभुता करेगा, तू हम पे राज करेगा, तू हमारा अधिकारी होगा, तू हम सबसे बड़ा होगा, ऐसे कैसे हो सकता है, ये कैसा सपना तूने देखा। तो वो और खिसिया आ गए उससे, मतलब ये इतना छोटा है, ये इतना छोटा होकर हम पर प्रभुता करेगा, हम पर राज करेगा, बड़ा आया राज करने वाला। खैर बात आई गई हो गई। उसने एक दिन फिर सपना देखा और अब की ये सपना जो था उसके भाइयों ने पिता को भी बताया और यूसुफ ने खुद अपने पिता को भी बताया। अब उसने सपना क्या देखा कि सूरज, चांद और 11 तारे उसको दंडवत कर रहे हैं। जब उसने ये बताया तो उसके पिता ने कहा, उसको डांटा, ये कैसा सपना है, क्या मैं और तेरी माता और तेरे भाई जो हैं तुझे दंडवत करेंगे, तुझे प्रणाम करेंगे, तेरी सिजदा करेंगे। मगर याकूब ने क्या करा, याकूब ने उस बात को अपने मन के अंदर रखा, याद करके रखा कि परमेश्वर ने इससे बात करी, क्योंकि याकूब खुद परमेश्वर की हर बात पे विश्वास करता था, क्योंकि परमेश्वर ने याकूब को खुद सपना दिखाया था कि एक बड़ी लंबी सीढ़ी जो है वो स्वर्ग से और पृथ्वी तक है और स्वर्गदूत आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो वो सब कुछ देख रहा था। अब यहां पर यूसुफ के उस सपने को उसने याद रखा। अब यूसुफ के भाई जो थे वो चिढ़ गए उससे बहुत बुरे से, ये तो सपना देखने वाला है। जब वो यूसुफ जो है जब अपने भाइयों का हालचाल लेने के लिए मैदान में गया तो उसके भाइयों ने कहा, देखो ये आ रहा है,
ये सपना देखता है, ये पिता से हमारी शिकायत करता है, इसको हम जो है मार डालते हैं। उसके पिता ने बड़ा अच्छा जो था यूसुफ को कई रंगों का अंगरखा जो था वो उसको दे रखा था, वही पहन के वो गया। अब उसके भाइयों ने जब सलाह मशवरा करा कि इसको मार डालते हैं, मगर रूबेन जो था बड़ा भाई वो नहीं चाहता था। उसने कहा इसको सूखे कुएं में डाल दो, और ये जो है फिर मगर रूबेन ये चाहता था कि इसको सूखे कुएं में डाल देंगे तो बाद में मैं चुपचाप से निकालकर पिता के पास इसको पहुंचा दूंगा। परंतु जब रूबेन नहीं था, उसके भाइयों ने क्या करा, वहां से उसने उसके भाइयों ने देखा कि मिधानी के कुछ व्यापारी आ रहे हैं जो मिस्र को जा रहे हैं। जी हाँ, कुछ व्यापारी को उन्होंने क्या करा, यूसुफ को गड्ढे में से निकाला और मिधानियों के हाथ में उसको बेच दिया। अब जब रूबेन आया, रूबेन ने देखा कि भाई किसी जंगली जानवर ने खा लिया है, पिता को ऐसा बताएंगे वैसा बताएंगे, उसके कपड़े को फाड़ा और एक बकरा काटा और उसको लहू में भिगो के और पिता को दिखा दिया कि यूसुफ को जो है उसके एक जंगली जानवर ने खा लिया है। अब उसका पिता रोने लगा, हाय मेरा बेटा, जिसको बहुत प्यार करता, बहुत दुखी हुआ। कई दिन तक वो शोक मनाता रहा, बहुत भारी शोक मनाता रहा और बहुत दुखी हुआ। मगर उधर यूसुफ को जो है मिधानियों ने, जो व्यापारी उसको गुलाम बनाकर मिस्र में ले गए थे, उन्होंने मिस्र के अंदर एक पोतीपर नाम का एक व्यक्ति था उसके हाथ बेच दिया और वो उसके घर की देखभाली करने लगा। अब होता क्या है, उसके घर की देखभाली कर रहा, देखो जवान था, हैंडसम था, मतलब 17 साल का हो चुका था। अब उसकी जो पत्नी थी वो बहुत बुरी थी और गंदे गंदे काम करती थी। पोतीपर की जो पत्नी थी वो यूसुफ के साथ जो था वो गंदा काम करना चाहती थी, और यूसुफ ने कहा नहीं नहीं, मैं नहीं ये सब करूंगा, जाओ यहाँ से, मैं परमेश्वर का बेटा हूँ और मैं ऐसे काम नहीं करता हूँ। और वो जो था उसे छोड़ के भागा, परंतु उसने क्या करा, उसका एक वस्त्र फाड़ लिया और उसने पोतीपर को गलत झूठ बोला कि ये मेरे साथ गंदा काम करना चाहता था, और जो है जब मैंने इसको कहा कि मैं अपने पति से कहूंगी तो ये डर कर भाग गया, उसको इस बात के लिए जेल में डाल दिया गया। अब जेल में देखो परमेश्वर उसके संग संग है, परमेश्वर संग संग चल रहा है। अब ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया। ये कभी मत सोचिए, अगर आपके ऊपर परेशानी आती है या मुसीबत आती है तो आप लोग ये मत सोचे, खासतौर से मेरे बच्चों ये मत समझिए कि परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया। परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा, और वहां यूसुफ के साथ भी परमेश्वर था, और दरोगा जो था वहां का, जो जेल का इंचार्ज था, वो यूसुफ पे अनुग्रह करता था, दया करता था, उसको ज्यादा उसको कोई कष्ट नहीं देता था। वहां पर दो व्यक्ति और भी थे, एक तो जो राजा को शरबत वगैरह पिलाता था और राजा को राजा का खाना वाना बनाता था, राजा का खाना बनाता था। तब क्या हुआ, उन्होंने सपना देखा एक खाना बनाने वाले ने कि वो जो है एक टोकरी उसके सर के ऊपर है, मांस है और उसमें चील कौवे जो है पक्षी जो है वो मांस खा रहे हैं, और एक ने जो शरबत पिलाने वाला था उसने ये सपना देखा कि क्या कहते हैं, मैं राजा को फिर से शरबत जो हूँ पेश कर रहा हूँ। तो वो यूसुफ से को सपना बताने लगे। यूसुफ ने कहा ये तो जो खाना पकाने वाला था कि तुम्हें तो फांसी हो जाएगी और तुम्हें फांसी मिलेगी, और जो शरबत पिलाने वाला था उससे कहा कि तुम फिर से राजा की सेवा में हाजिर हो जाओगे। और वैसे ही हुआ जैसा यूसुफ ने कहा, वैसे ही हुआ। परंतु यूसुफ ने कहा कि राजा से इस बारे में मेरा वर्णन करना, परंतु वो भूल गए। फिर राजा ने एक सपना देखा। राजा ने सपना क्या देखा, बड़ा वो डर गया, वो रात में उठ के बैठ गया, उसने सपना देखा और राजा ने सपना देखा कि 7 मोटी मोटी गाय हैं, बहुत अच्छी गाय हैं, और वो 7 गाय उसने देखी। फिर उसने देखा 7 गाय और उसके पीछे निकली, वो बहुत दुबली पतली और खांकड़ जैसी थी, और जो दुबली पतली खांकड़ जैसी गाय थी उन गायों ने क्या करा, मोटी गायों को निगल लिया। अब जो था वो हड़बड़ा के राजा उठ बैठा, अरे ये क्या है, और थोड़ी देर के बाद फिर वो सो गया। फिर उसे सपना आया। अब सपना क्या आया, 7 मोटी मोटी गेहूं की जो बाले थी वो गेहूं की बाले निकली, 7 मोटी मोटी, उनके पीछे 7 पतली खांकड़ सूखी सी बिल्कुल बाले और निकली, और उन सूखी खांकड़ बालों ने क्या करा, मोटी बालों को खा लिया। अब राजा हड़बड़ा गया, ये क्या है, ये कैसा सपना है, कौन मुझे बताएगा। उसने पूरे राज में ढिंडोरा पीट दिया कि मुझे इस सपने का अर्थ बताओ, मुझे इस सपने का अर्थ बताओ, मगर कोई बताने वाला नहीं था, कोई भी बताने वाला नहीं था। अब जो था फिर एक ने बताया कि यूसुफ नाम का जो राजा को शरबत पिलाता था उससे ध्यान आया। उसने कहा राजा मुझे माफ करो मेरी गलती को, मैं बताना चाहता हूं कि यूसुफ नाम का एक व्यक्ति है वो आपके सपने का अर्थ बताएगा।
यूसुफ को बुलाया गया, बताया गया। यूसुफ ने कहा मैं कोई नहीं हूं तुम बताने वाला, परमेश्वर बताएगा। अब उसने कहा परमेश्वर ने के पास गया, परमेश्वर ने उस सपने का भेद खोला, फिर उसने बताया ये जो सात मोटी गाय तूने जो देखी है ये सात वर्ष है, और इन सात वर्षों में क्या होगा, बहुत अनाज होगा तेरे राज्य में, बहुत ज्यादा अनाज होगा पूरी मतलब दुनिया के ऊपर। और उसके बाद जो सात तूने वो देखा है उसमें क्या है, वो अकाल होगा, सात वर्ष तक अकाल होगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा, और दोनों सपने जो हैं वो एक ही हैं। तो अब राजा कहने लगा कि ये क्या, इसको कैसे करा जाए, कौन ये इस समस्या का हल करेगा। यूसुफ ने उसको समस्या का हल बताया कि आप बड़े बड़े गोदाम बनाइए, बहुत बड़े बड़े गोदाम बनाइए, और अनाज जो सात वर्ष में जो दुगना बहुत अच्छा अनाज होगा उसको भर के स्टोर कीजिए, ताकि सात वर्षों में क्या हो, हमें कोई परेशानी ना हो जब सात वर्ष जो अकाल के आए। अरे राजा ने कहा भाई इससे अच्छा बुद्धिमान कौन है, इसके अंदर तो ईश्वर को, ईश्वरों की आत्मा रहती है, इसको मैं अपने देश का प्रधानमंत्री बनाता हूं। अब परमेश्वर आप देखिए, एक गुलाम गुलामी से और कहां बना, वो प्रधानमंत्री बना, एक गुलामी के उसमें गया, परमेश्वर की योजना थी, और वो प्रधानमंत्री बना और पूरे राज मिस्र राज पर राज करने लगा। फिर उसके भाई भी आए और उसके पिता भी आए, वो भी क्या कहते हैं अनाज लेने आए। फिर उसने उनको राजा के कहने से मिस्र के अंदर ही जगह दे दी, और उसके जो भाई और बहने और जो भी उसके परिवार के लोग थे सब मिस्र में बड़ी अच्छी जगह पर जो थे वो रहने लगे। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप सपने देखते हैं, अगर सपने आपके जीवन में आते हैं, तो परमेश्वर आपसे बातचीत करना चाहता है, अपनी योजना को आप तक पहुंचाना चाहता है कि मैं तुम्हारे द्वारा ये योजना पूरी करूंगा। तो प्रभु में बने रहिए और प्रभु के रास्ते पे चलते रहिए, परमेश्वर की योजना को समझिए, प्रभु यूसुफ की तरह आपको भी आशीष दे। आमीन।